आसान काम नहीं है, दोनों सवेलेबल नहीं है। हर दो प्रयास करते हुए टच पॉइंट लेने का अभी तक कामयाब हुए नहीं है, और इस बार अच्छा प्रयास, बहुत ही सुंदर प्रयास, लेकिन कामयाब शानदार प्रयास, अच्छा प्रयास, शानदार प्रयास, और उसकी अच्छी कटकाठी के प्लेयर जिन्होंने पूर्व के मैचों में यूपी को परास्त करने वाला अच्छे खिलाड़ी बन को ज्ञान देंगे, किसी प्रकार समय तीन पाउंड बता रहे हैं यहाँ पर। एक बार अपने डिसीजन देंगे आप खिलाड़ी भाई, अपना खिलाड़ी भाई अपना खिलाड़ी भावना का परिचय दीजिए जो एम्पायर जी। ठीक है महोदय जी, देखो आपस में आप बात करोगे कोई मतलब नहीं है, खिलाड़ी भाई अपना देखिए आ जाएगा, दो पॉइंट मिलता हुआ, दो पॉइंट लीजिए। फिर से चले हैं दर्शी नंबर चार के खिलाड़ी, चल रहे मैदान में, देखते हैं क्या कर पाते हैं। बहुत अच्छी प्रयास, शानदार प्रयास, और इसी तरह कॉर्नर टू कॉर्नर खेल का प्रदर्शन करते हुए शानदार प्रयास, अच्छा प्रयास, शानदार प्रयास, और उसकी अच्छी टैकल के साथ इस प्रकार दर्शी नंबर पाँच आउट समझाऊंगा, दर्शी नंबर चार आउट होते हुए चार खिलाड़ी के मध्य खेड़ागर के मैदान में चर्रा की टीम हमारे ग्रामीण अंचल की टीम है, शानदार इस आयोजन में खेल का प्रदर्शन की है, और यूपी की टीम को परास्त करके आगे खैरागढ़ से मुकाबला कर रही है। लीजिए फिर से चले हैं दर्शी नंबर एक, दर्शी नंबर एक चला के मैदान पे, देखते हैं क्या कर पाते हैं। बहुत अच्छी रेट, शानदार रेट, बहुत अच्छी प्रयास, शानदार रेट, लेकिन सिर्फ खा गए, गच्चा खा गए, इसे बोलते हैं गच्चा खा गए, और थोड़ा मौसम का किरकिरा होने के कारण से जमीन सूख नहीं पाया, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन फिर से बिना कोई पॉइंट लिए वापस। दर्शी नंबर दो चार प्लेयर के मध्य खेल का प्रदर्शन करते हुए दर्शी नंबर दो थाकर लगभग छह फीट पांच इंच के खिलाड़ी, लगभग सात फीट लग, मेरे से भी ज्यादा बड़े लग रहे हैं, और लगभग छह फीट पांच इंच के खिलाड़ी लीजिए फिर से दर्शी नंबर दो चल रहे थे मैदान पे, देखते हैं क्या करते हैं। लेफ्ट कॉर्नर पे अपना खेल का प्रदर्शन करते हुए अच्छी प्रयास, दोनों सब लेना चाहते हैं निश्चित ही, देखते हैं बार का निर्णय आ रहा शेष, अच्छी पकड़, शानदार पकड़, बोनस पॉइंट, अच्छी पकड़, बोनस पॉइंट मिलता प्लस एक पॉइंट और नुकसान होता हुआ खैरागढ़ का। फिर से चले छह फीट पांच इंच के खिलाड़ी दर्शी नंबर बारह समझाऊंगा, दर्शी नंबर डू और डाई है, करो या मारो, कुछ सुपर टैकल भी आ रहा है, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका खैरागढ़ के लिए, अगर उस खिलाड़ी को पकड़ते हैं खिलाड़ी चल के मैदान पे, देखते हैं शानदार प्रयास, वाह अच्छी प्रयास, कॉर्नर टू कॉर्नर, सशक्त थी लेकिन बिना कोई टाइम लिए वापस। दर्शी नंबर तीन खैरागढ़ के मैदान पे, देखते हैं क्या कर पाते हैं चार खिलाड़ी के मध्य खेल के प्रदर्शन, और बहुत अच्छी प्रयास, शानदार प्रयास, देखो खिलाड़ी भाई थोड़ा कंट्रोल, मजबूत कंट्रोल, इंपायर है हमारे पास, दो इंपायर रखे मोहन है, आप इंपायर का निर्णय तैयार कीजिए, आपको निर्णय बिल्कुल अच्छा मिलेगा। लीजिए फिर चले हैं
ब्लैक जर्सी में चर्रा के मैदान पे पांच खिलाड़ी के मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर खेल का प्रदर्शन करते हुए लीजिए जर्सी नंबर आठ का, हाँ आठ है जर्सी नंबर आठ टच करा लेकिन असफल हुए और बिना कोई पॉइंट के एम्प्टी रेट वापस लीजिए फिर से चले हैं जर्सी नंबर नहीं क्रॉस करके वापस आते हुए स्त्री लाल रंग की जर्सी नीले रंग का छट्टा जर्सी नंबर आठ और पांच खिलाड़ी के मतलब दो डायरेक्ट है करो मनो की स्थिति बिल्कुल भी कुछ करना होगा अन्यथा आपको निश्चित ही बाहर लाभी लाइन से बाहर जाता हुआ रेडर आउट कैसा रहता हुआ रेडर आउट का टाइम आउट लेते हुए जब जब आप खिलाड़ी देखिए ऑफिसर टाइम की बढ़त बनाई हुई चर्रा की टीम दो पॉइंट से सर फिर से चले जर्सी नंबर दो छह फीट पांच इंच के खिलाड़ी चार खिलाड़ी के मध्य खेल का प्रदर्शन करने के लिए आउट जाकर पाते हैं अच्छे प्रयास खेल का प्रदर्शन करते हुए जर्सी नंबर दो अच्छा प्रयास देखते हैं इस खिलाड़ी को पकड़ पाते हैं नहीं खेरा बनते हैं खिलाड़ी अच्छा रनिंग टच अभी भी दावा सही होता है निश्चित ही जर्सी नंबर तीन का शिकार करते हुए और इस प्रकार जर्सी नंबर तीन आउट होते हुए इसी प्रकार दो पॉइंट की बढ़त आती हुई चर्रा की टीम शानदार खेल हमारे गांव से लगभग 12 किलोमीटर की दूरंचल गांव से तालुका रखती है चर्रा की टीम ग्रामीण अंतर की टीम है और अच्छा प्रयास होना समझा था जैसे नंबर एक खैरागढ़ के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रयास शानदार प्रयास बहुत बेहतरीन टेकल अच्छा टेकल सपोर्ट के लाल हैं दो खिलाड़ी के मध्य जर्सी नंबर नहीं गए हैं देखते हैं क्या कर पाते हैं और सपोर्ट के लाल अगर इस खिलाड़ी को पकड़ते हैं तो निश्चित ही आपको नुकसान भुगतना पड़ा जर्सी नंबर फाइव आउट होते हुए लास्ट आप इसका आपका यार टाइम आउट लास्ट है इसके बाद आपको टाइम आप देखते हैं क्या कर पाते हैं अच्छे प्रयास करना होगा कुछ ना कुछ करना होगा निश्चित ही लेकिन नहीं कुछ नहीं हुआ नहीं 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 नजर नहीं देखते हैं क्या कर पाते हैं अच्छे प्रयास और कॉर्नर पे कॉर्नर खेल का प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी अच्छा प्रयास जर्सी नंबर नहीं की तरह जर्सी नंबर फर्स्ट की खिलाड़ी की तरह और ऑल आउट होते हुए इसी प्रकार चर्रा का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचे हैं और इसी प्रकार फिर से पुनः मैच प्रारंभ होता हुआ खैरागढ़ के मैदान पे मध्यांतर से पहले का मात्र 15 सेकंड शेष हाँ बताओ साहब हाँ लीजिए जर्सी नंबर 9 खैरागढ़ के मैदान पे देखते हैं क्या कर पाते हैं और सात खिलाड़ी के मध्य जर्सी नंबर 9 छह फीट खिलाड़ी यह लास्ट मिनट हो सकता है और निश्चित ही लास्ट मिनट है मध्यांतर से पहले का लास्ट रेट इस बीच मध्यांतर होगा मध्यांतर से पहले का यह लास्ट रेट एक प्लेयर बाहर निकालने की लाइन चर्रा की तरफ से मध्यांतर के बाद का मैच मध्यांतर का समय हो चुका है और 11-5 से लीड कर रहे हैं यहाँ पर चर्रा की टीम अच्छी टीम लंबे कद के दोनों ही रेडर स्टार रेडर अपनी टीम की तरफ से अभी भी अवसर है वापसी कर सकते हैं अंकों का फासला ज्यादा नहीं है केवल 5 अंकों का फासला है 5 अंकों का फासला है यहाँ पर और एक अच्छा प्रयास बोनस भी अवेलेबल है 6 प्लेयर को मध्य रेट डाल रहे हैं बोनस के लिए जा सकते हैं लेकिन जाना उचित नहीं समझा एम्प्टी रेट आया अब 2 नंबर की जर्सी पर फिर से प्लेयर पिछला रेट एम्प्टी रहा था अब देखते हैं इस रेट में क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए अभी भी अंकों का जो अंतर है 11-5 अच्छा जग्गा है रेड में अब आए 3 नंबर की जर्सी पर अब 2 और 2 लाने वाली है निश्चित है
डू और डाई रेड है, चमका गए हैं रेड। अच्छा बागा बॉर्डर बाघा गए हैं और लगभग फंस चुके हैं। रेडर आउट, इसके लिए भी टू और ढाई रेड आता हुआ सर्रा के मैदान पर। आसान नहीं होगा पांच प्लेयर के मध्य पॉइंट लेना, मुश्किल काम है। लाइन में ध्यान देंगे, मुश्किल काम पांच प्लेयर के मध्य पॉइंट निकालना टू और ढाई रेड में, आसान काम नहीं है, दोनों अवेलेबल नहीं है। हर प्रयास करते हुए दस पॉइंट लेने का अभी तक कामयाब हुए नहीं है। और इस बार अच्छा प्रयास, बहुत ही सुंदर प्रयास, लेकिन कामयाब टोटल करने में। और अंतर फिर से एक बार फिर से पांच अंकों का अंतर, अब नौ नंबर की जर्सी पर गए हैं विक्की साहू, चर्रा के प्लेयर खैरागढ़ के मैदान पर। फंस सकते थे अभी, अब जा रहे हैं सर्रा के मैदान पर। बोनस अटेम्प्ट, बोनस बोनस आता हुआ यहाँ पर। अब अंकों का डिफरेंस जा चुका है, माफ कीजिएगा पांच अंकों पर। दो पॉइंट मिलेंगे, एक बार फिर से बढ़त बनाते हैं पर चर्रा की टीम। चौथे राउंड में पहुंचने के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करती हुई चर्रा की टीम, जानी मानी टीम। और इस बार रेडर से चूंकि मिड लाइन को पार कर चुका था यहाँ पर डिफेंडर का पैर, 0-5 आउट डिफेंडर से। अब स्कोर जा पहुंचा 8-13। अच्छा माफ कीजिएगा 8-14 का स्कोर चल रहा है अभी भी। आवश्यकता है, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे कद काठी के हैं, अच्छे गठीले बने के प्लेयर। 3 मिनट शेष है मात्र, और 6 पॉइंट से पीछे हैं। 3 मिनट का समय शेष है, मात्र 3 मिनट का समय शेष है। बोनस एक बार फिर से और टाइम आउट आता हुआ। अब 2.5 मिनट का समय है, 5 अंकों का फासला है। अगर चौथे राउंड में प्रवेश करना है खैरागढ़ की टीम को, 3 बचे हुए 4 मिनटों में, माफ कीजिएगा 2 मिनटों में 5 पॉइंट लेने की आवश्यकता। इस प्रकार से काम नहीं चलेगा टाइम पास से। पांच पॉइंटों का फासला है, समय मात्र बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन पकड़े गए। अब अंकों का फासला जा चुका है, टू और ढाई रेड भी आता हुआ यहाँ पर चर्रा के लिए। करो या मरो की स्थिति है चर्रा के लिए। और अब टाइम आउट नहीं मिलेगा, दूसरा टाइम हो चुका है आपका, अब खत्म हो चुका है। अब टाइम आउट लेंगे तो टेक्निकल पॉइंट मिलेगा। स्कोर है 15-10, अभी भी 5 अंकों का फासला है और समय है 5:26 हुआ है, 1.5 मिनट का समय बचा है, 90 सेकंड का खेल अभी भी बचा है, 5 अंकों का फासला है, कुछ भी हो सकता है। कबड्डी अनिश्चितताओं का खेल है, अगर डू और डाई, माफ कीजिएगा अगर सुपर रेड आ जाए, अगर 3 पॉइंटों का रेड आ जाए तो क्या कह रहे हैं। बोनस का ट्राई को अच्छे से मारा है, एक पॉइंट
निश्चित हो गए। एक पॉइंट मिलता हुआ अब अंकों का फासला है चार, क्रॉस रोकने का आवश्यकता, अंकों का फासला है चार और समय बचे हैं अभी भी एक मिनट से ज्यादा समय है। बहुत ही खराब प्रदर्शन, आवश्यकता नहीं थी इस प्रकार की। अब फिर से अंकों में बढ़ाव होता हुआ अगली टीम तैयार रहेंगे जिनको मैं बताया था। अब फिर से लगभग जीत की ओर अग्रसर होते हुए 20 सेकंडों का खेल बचा है मात्र इस गेम में। मदनपुर खैरागढ़ की टीम हार की कगार पर पहुंच चुके हैं और इस बार फंस जाएंगे लग रहा है। अच्छा टिकर पॉइंट, एक टिकर पॉइंट मिला है, ये लास्ट रेड है, लास्ट रेड है इस मैच का, इस मैच का लास्ट रेड है। इस प्रकार विजय घोषित होती है यहाँ पर। चर्रा टीम शानदार चौथे राउंड में प्रवेश किया है, बार बधाई के पात्र हैं और साथ ही साथ शुभकामनाएं मदनपुर खैरागढ़ के साथ। एक बहुत ही बेहतरीन मैच खेला था जिन्होंने, जिसमें